की छाती पर अभिमन्यु जैसा बाल है। सामने इस व्यूह में पहले जयद्रथ आ गए। अभिमन्यु के हाथों ये भी मूंगी खा गए। पहले सोचा मार डालूं, क्या यही सत्कर्म है, फिर कहा ना मारना मूर्छित को घोर अधर्म है। छल कपट की ये लड़ाई देख कर होती व्यथा, सात योद्धाओं से लड़ते एक बालक की कथा। ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा। सामने देखा खड़े ये कर्ण सर ऊंचा लिए, बाण अभिमन्यु का छूटा, बाण अभिमन्यु का छूटा, धनुष के टुकड़े किए। हिला दुशासन का आसन, हिला दुशासन का आसन, वो भी भागा कांप के। कौन आगे आएगा ज्वालामुखी इस आग के। अब लो देखो भानजों के प्यारे मामा आ गए। आज ये पासे न पलटे उल्टे झांसा खा गए। इधर देखो धनुर्धारी शल्य सज धज कर खड़ा, ये भी टूटा इस तरह जो डाल से पत्ता झड़ा। ज्वाल भड़की आज दुर्योधन की भी ना खैर है, आज विश्व उगले गए सदियों पुराना बैर है। सबने सोचा, सबने सोचा इस तरह बालक ये बाज न आएगा, कूटनीति से इसे मारो तभी मर जाएगा। एक तरफ सातों महारथी, एक तरफ बालक अकेला। तक प्राण तन में छत्रियों का खेल खेला। वाह वाह प्यारे भतीजे तुझसे उज्जवल वंश है, आ गले मिल ले घड़ी भर तू हमारा अंश है। इस तरह एक चाल कपटी छली दुर्योधन चला, गले मिलने के बहाने निज भतीजे को छला। पीठ पर अभिमन्यु के एक बाण धोखे का चला।